नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजगढ़ से बाबा महाकाल के दर्शन और शिप्रा नदी में स्नान करने आए श्रद्धालु धीरज की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। तैराक दल ने शव नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। राजगढ़ से बाबा महाकाल के दर्शन और शिप्रा में स्नान करने अपने परिवार के साथ आए युवक की शिप्रा नदी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह शैम्पू लगाने के बाद शिप्रा नदी में गोता लगाने उतर गया था। युवक नदी को पार करना चाहता था, लेकिन बीच नदी में जाकर वह थक गया और गहरे पानी में डूबने लगा। यह देख वहां तैनात होमगार्ड के जवान और तैराक दल के सदस्यों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि वह सभी शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन इस हादसे के बाद वह किसी भी मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए और उन्हें अपने बच्चे का शव लेकर राजगढ़ लौटना पड़ा। आए थे रामघाट पे, ना भी गए थे और ना भी में वो शैम्पू लगा के और तैरते चलो बस। कितने लोग आए थे? हम तो एक मोड़ी को मोड़ा है तो, और मैं आती बाकी मैं तारी। टोटल कितने लोग थे? तीन ही आते हम। कौन चला गया आगे पानी करने? मेरा लड़का। क्या नाम है उसका? धीरज सिंह। तो क्या काम करता था ये? कछु नहीं, मजदूरी करत तो जो मिस्त्री को जो यहाँ से ले काम। उज्जैन काई के लिए आए थे? नहाने के लिए भाई, न कहीं मैं ना भी चल रहा के दर्शन करने लिए काल ना के काल भर जाते जी मर। दर्शन कर लिए आपको? नहीं करे, दर्शन नहीं कर पाए, कछु नहीं करो। क्या नाम है आपका? मेर बिमला भाई, कछु नहीं कर। संक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।